नमस्कार, आप देख रहे हैं News4Nation और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और इसके लिए पूरा बिहार तैयार है। बिहार में हर तरफ तैयारियों का माहौल है, हर तरफ खुशियां और उत्साहपूर्वक तरीके से उनके जन्मदिन को मनाने की तैयारी पुरजोर तरीके से चल रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से उनके जन्मदिन को लेकर तैयारियां नीतीश कुमार की तरफ से शुरू की जा चुकी है और आज यानी 17 सितंबर को वो दिन है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा। बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को एक तोहफा देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर। बता दें कि आज कंकड़बाग स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे और वहां वो बिहार को 70 ऑक्सीजन प्लांट का तोहफा देने जा रहे हैं। साथ ही साथ आज बिहार में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। लगभग आज के टीकाकरण में 30 लाख लोग शामिल होंगे और इसके साथ ही टीकाकरण का सबसे बड़ा रिकॉर्ड आज बिहार में टूटने जा रहा है और इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकार्पण करने जा रहे हैं 70 ऑक्सीजन प्लांट का, जो बेहद खुशखबरी है पूरे बिहार के लिए। जो ये तोहफा वो बिहारवासियों को आज के दिन पर देने जा रहे हैं, क्या कुछ है आज का कार्यक्रम, क्या कुछ होने जा रहा है आज, आइए इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ी तैयारी की है, जहां टीकाकरण अभियान के तहत सूबे में एक साथ 30 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना है। वहीं एक और ऑक्सीजन प्लांट को लेकर प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन पर सरकार राज्य भर के जिला व अनुमंडल अस्पतालों में 70 ऑक्सीजन प्लांट आरंभ करने जा रही है। खुद सीएम नीतीश कुमार इस ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। बताया गया है कि पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार को कार्यक्रम आयोजित है। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार बिहार भर के जिला अस्पताल और अनुमंडल अस्पतालों में 70 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सीएम कोरोना टीकाकरण महाअभियान में भी शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार बिहार में 122 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाने हैं, जिसमें 70 का लोकार्पण आज सीएम के द्वारा किया जाएगा और बाकी बचे ऑक्सीजन प्लांट भी जल्द चालू कर दिए जाएंगे। वहीं महा टीकाकरण अभियान के लिए लगभग 14,500 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 50,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाना है। मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में 30 लाख से अधिक टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस महीने के अंत तक बिहार में 5.5 करोड़ लोगों को टीकाकरण कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बिहार बीजेपी की तरफ से भी बड़ी तैयारियां की गई हैं। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महा टीकाकरण अभियान के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों में बीजेपी के नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण में तेजी लाई गई है। मुख्यमंत्री इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शुक्रवार को विशेष टीकाकरण महाअभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस विशेष महाअभियान के दौरान रिकॉर्ड 30 लाख से अधिक टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य भर में लगभग 15,000 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 50,000 स्वास्थ्य कर्मी और टीकाकर्मियों को तैनात भी किया गया है। बता दें कि आज यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को लेकर तैयारियां पुरजोर तरीके से हर सिरे से शुरू हो चुकी है और आज महाअभियान चलाया जाएगा टीकाकरण का, जहां लक्ष्य 30 लाख से अधिक लोगों का रखा गया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह जानकारी भी दी है कि पूरे बिहार में 120 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने हैं, जिसमें कि 70 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर। और साथ ही साथ बीजेपी भी बिहार में कई तरह की तैयारियों में जुटी हुई है। संजय जायसवाल ने बताया कि महाअभियान और लोकार्पण के साथ साथ कई अन्य कार्यक्रम आज होने हैं, जिसमें बीजेपी के नेता शामिल होंगे और काफी उत्साहपूर्वक आज प्रधानमंत्री का 71वां
जन्मदिन मनाया जाएगा। इस जन्मदिन को खास बनाने की पुरजोर तैयारियां चल रही है और बिहार सरकार इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसको लेकर आगे क्या कुछ होगा, क्या माहौल बनेगा, कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, आज का दिन कैसा होने वाला है, ये भी हम आपको आगे दिखाते रहेंगे जब हमारे पास इसकी जानकारी पहुंचेगी। तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ न्यूज़4नेशन में। नमस्कार।